Today, the next topic is difference between process and thread. ठीक है, आपका जो प्रोसेस है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका प्रोसेस होता है, थ्रेड होता है। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन आस्क इन योर इंटरव्यू एंड ऑल्सो इन योर एग्जाम। देखो, प्रोसेस है और आपका थ्रेड है, दोनों क्या है, कोड ही है असल में। क्योंकि आपका कंप्यूटर में जितना कुछ है सारा क्या कोड है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, वो एक लाइट हैवी वेट बोलेंगे हम उसको। हैवी वेट का मतलब क्या है, आपका जो कोड है वो काफी लेंथी होगा। अब लेंथी होगा जो एग्जीक्यूट करने में टाइम ज्यादा लगाएगा, कॉमन सेंस है। ठीक है, और थ्रेड जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं। लाइट वेट का मतलब क्या है, काफी हल्के कोड होंगे आपके। अगर आपको फंक्शंस, मैंने जो फंक्शन का लेक्चर समझाया है आपको, फंक्शन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको प्रोसेस और थ्रेड भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रोसेस है आपका, ठीक है, उसमें क्या है कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं, ठीक है, आपने कंप्यूटर खोला, कंप्यूटर खोलने के बाद आपने जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोला, आपने MP3 प्लेयर खोला, आपने कोई ब्राउजर खोला है, ठीक है, तो हर प्रोसेस जो भी आपने चीजें खोली हैं, जो आपने कमांड दिया उनको चला रहा है, ठीक है, वो आपका इंडिपेंडेंट है। सारे प्रोसेस आपस में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो सबका जो स्पेस है, मेमोरी, वो भी आपका इंडिपेंडेंट होगा, एक्सेस करेगा। लेकिन थ्रेड ऐसा नहीं होता है। ठीक है, थ्रेड आपके किसी भी एक, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें कई सारे थ्रेड हैं तुम्हारे, ठीक है, जो एक एक चीज को काम करते हैं। जैसे आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, आप कोई इमेज अपलोड कर रहे हैं, किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, समथिंग। सो दीज आर वर्किंग बाय द हेल्प ऑफ थ्रेड एंड दीज थ्रेड्स ऑल्सो शेयर द मेमोरी। ठीक है, एवरीथिंग वी हैव एक्सप्लेन। आप एक नोटबुक खोलिए एंड राइट डाउन व्हाट एवर वी आर टीचिंग यू। ओके, आपको दूसरा एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड? दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड मेनी टाइम इन योर एग्जाम, ऑल्सो इन योर इंटरव्यू, कि आपका प्रोसेस क्या है और थ्रेड क्या है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस। आप लैपटॉप खोलते हैं, आप, ठीक है, आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज किया, ठीक है, आपने MP3 भी चला रहे हैं साथ में, गाना भी चल रहा है समथिंग, ठीक है, दो चार चीज खोल लिया आपने, एक ब्राउजर भी खोल लिया, एक प्रोसेस इसको चला रहा है, एक प्रोसेस इसको चला रहा है, एक प्रोसेस इसको चला रहा है, ठीक है, ठीक हो गया। अब थ्रेड क्या है, व्हाट इज थ्रेड? इसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब आपने खोला तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने यहां पर टेक्स्ट लिख रहा हूं, मैं टेक्स्ट लिख रहा हूं, ठीक है, मैंने पिक्चर यहां पर अपलोड कर दी, मैंने यहां वीडियो अपलोड कर दी, देखा होगा आपने, अगर आपने कोरा यूज कर रखा है, इफ यू आर यूजिंग कोरा वेबसाइट, ओके, आपने देखा होगा कि हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, उसके बाद पिक्चर भी अपलोड कर लेते हैं, वीडियो भी अपलोड कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें एक्सेस कर रहे हैं। तो जो भी छोटे छोटे जो काम हो रहे हैं, ठीक है, जैसे टेक्स्ट को लिखना, ठीक है, अब टेक्स्ट बोल्ड है, टेक्स्ट आपका क्या है, इटैलिक है, तो इनको कौन चला रहा है, ये छोटे छोटे कोड चला रहे हैं, दैट इज द स्मॉलेस्ट कोड, दीज आर द थ्रेड। असल में दोनों सेम है, दिस इज ऑल्सो कोड एंड दिस इज ऑल्सो कोड, ये भी कोड है। ये जो आपने अगर फंक्शन पढ़ रखा है, फंक्शन मेन फंक्शन होता है, उस मेन फंक्शन में से हमने क्या किया, छोटे छोटे ब्लॉक अलग निकाल दिए, यानी कि सब फंक्शन बना लिए। ठीक है, तो जो फंक्शन के अंदर जो छोटे छोटे कोड रखे हैं, जो काम कर रहा है, उसका एक काम है, उसका काम क्या है, एक उस कोड का काम क्या है, टेक्स्ट को बोल्ड कर देना, दूसरा कोड का काम क्या है, टेक्स्ट को इटैलिक कर देना, फिर उसके बाद एक कोड का काम क्या है, टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देना, फिर एक आपका कोड का काम क्या है, इस इमेज को यहां पर फिक्स कर देना, अब लेफ्ट करना है, राइट करना है, ऐसे छोटे छोटे कोड जो है, इनको जब आप ऑपरेटिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं कोड, लिख जो है आप कुछ भी लिख रहे हैं, तो कोड इनको क्या कर रहे हैं, उनको वहां पर यूजर के हिसाब से आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो यही चीज, ये भी कोड है, प्रोसेस इज ऑल्सो कोड एंड थ्रेड इज ऑल्सो कोड। नाउ द डिफरेंस इज, आपको एग्जाम में जो लिखना है, यू हैव टू राइट। सो वी हैव रिटन हियर 7 टॉपिक्स एंड सेम सिमिलर टॉपिक्स यू हैव टू राइट। द फर्स्ट वन इज ए प्रोसेस इज ए प्रोग्राम, ये भी प्रोग्राम है, ये भी प्रोग्राम है, ध्यान रखना, ए प्रोसेस इज ए प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, दैट इज एक्टिव प्रोग्राम, ये तुम्हारा क्या है, एक्टिव प्रोग्राम है।
ए थ्रेड इज लाइट वेट प्रोसेस दैट कैन बी मैनेज्ड इंडिपेंडेंटली, है ना, यानी कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो असल में दोनों सिमिलर हैं, भाई यह है कि दिस इज द हैवी वेट एंड दिस इज द लाइट वेट, मतलब ये कोड बहुत बड़ा है, ये कोड बहुत छोटा है, ये मान के चलो, ठीक है। ये जो मेन फंक्शन देखा होगा आपने वो बड़ा है, और आपने जो सब फंक्शन होते हैं छोटे होते हैं। तो छोटा अगर कोड है तो थ्रेड यूज कर रहे हैं, बड़ा कोड है तो प्रोसेस यूज कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट वन, ए प्रोसेस इज ए प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन दैट इज एक्टिव प्रोग्राम, एंड ए थ्रेड इज ए लाइट वेट प्रोसेस दैट कैन बी मैनेज्ड इंडिपेंडेंटली फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक हो गया। दूसरा क्या है, देखो प्रोसेस रिक्वायर मोर टाइम, प्रोसेस जो, अब देखो मैंने आपको बताया कोड अगर बड़ा होगा, अगर आपका कोड बड़ा होगा, आपने कोई प्रोग्राम लिखा, कोड बहुत बड़ा है तो सीधी सी बात है टाइम ज्यादा लगाएगा, और कोड अगर छोटा है तो टाइम बहुत कम लगाएगा। तो देखो क्या लिखा है, प्रोसेस रिक्वायर मोर टाइम फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टर्मिनेशन एंड क्रिएशन, है ना, यानी कि जो भी आपने कोड लिखा तो उस, मैंने किसी कोड लिखा तो उस कोड ने जो भी काम किया, यूजर ने जो भी काम करने के लिए इसको दिया, तो काम करने के बाद वापस आएगा यानी कि टर्मिनेट होगा, उसको करने में प्रोसेस ज्यादा टाइम लेता है। प्रोसेस रिक्वायर मोर टाइम फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टर्मिनेशन एंड क्रिएशन, थ्रेड रिक्वायर लेस टाइम फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टर्मिनेशन एंड क्रिएशन, ठीक है, किसी चीज को क्रिएट करने में या टर्मिनेट करने में टाइम जो है वो कम लेता है, ठीक हो गया। फिर छोटे छोटे कोड हैं, छोटे छोटे आपके कोड होंगे तो टाइम कम लगेगा, बड़ा कोड है तो टाइम ज्यादा लगेगा, कॉमन सेंस वाली बात है। प्रोग्राम अगर आप बहुत लंबा लिखोगे तो कंपाइलर, अगर आप यूज कर रहे हैं प्रोग्राम बहुत बड़ा लिखोगे तो उसको रन होने में टाइम ज्यादा लगेगा। छोटा अगर मैंने लिखा हेलो, अगर मैं C++ यूज कर रहा हूं और मैंने लिखा प्रोग्राम प्रिंट एप हेलो, तो 1/10 सेकंड में रिजल्ट दे देगा आपको। उसके बाद क्या है आपका, प्रोसेस शेयर मेमोरी एज इंडिपेंडेंट थ्रेड शेयर मेमोरी टू इट्स पीयर थ्रेड्स, जो प्रोसेस होता है शेयर मेमोरी एज इंडिपेंडेंट, ठीक है, इसका मेमोरी जो है शेयर मेमोरी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जबकि थ्रेड क्या होता है पीयर थ्रेड, बहुत सारे अलग अलग थ्रेड हैं आपस में जो है शेयर मेमोरी को शेयर कर देते हैं, ठीक है, जबकि इनका क्या होता है इंडिपेंडेंट, ये प्रोसेस है ये अपना अपना अलग मेमोरी लेगा, ये अलग मेमोरी लेगा, ये अलग मेमोरी लेगा। एक काम करना आपको समझना है, आप एक काम करना, आप कंट्रोल दबाना, ठीक है, कंट्रोल प्लस फिर उसके बाद आपको कंट्रोल दबाना है ऑल्ट प्लस डिलीट, इसको दबा के देखना, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, तो आपका टास्क मैनेजर, आप ये छोड़ो इसको, टास्क मैनेजर खोलना, टास्क मैनेजर खोलने के बाद उसमें देखना आप, ठीक है, प्रोसेस, टास्क मैनेजर में खोलने के बाद देखना प्रोसेस कितने आपके प्रोसेस कौन किसको चला रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर इन द कंट्रोल पैनल, इन कंट्रोल पैनल गो टू द टास्क मैनेजर एंड ओपन इट, हाउ योर प्रोसेस इज वर्किंग एंड विच प्रोसेस इज वर्किंग, विच प्रोसेस एक्सेसिंग विच एप्लीकेशन, आपका कौन सा प्रोसेस किस एप्लीकेशन को रन कर रहा है और कितना सीपीयू टाइमिंग जो है आपका मेमोरी ले रहा है, ये भी देख सकते हैं आप, किसमें देख सकते हैं, कंट्रोल पैनल में, ठीक है, टास्क मैनेजर में। इसके बाद क्या आता है आपका, इफ ए प्रोसेस गेट्स ब्लॉक्ड, अगर आपका कोई भी प्रोसेस क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा माना, ठीक है, रिमेनिंग प्रोसेस कैन नॉट कंटिन्यू, बाकी प्रोसेस जो है काम नहीं कर सकते, एग्जीक्यूशन वो काम नहीं करेंगे अनटिल फर्स्ट अनब्लॉक्ड, जब तक वो अनब्लॉक नहीं होगा। एग्जाम्पल अभी बताऊंगा, इफ ए थ्रेड गेट्स ब्लॉक्ड देन ऑल इट्स पीयर थ्रेड विल एग्जीक्यूट, जबकि अदर काम करेंगे। आपने देखा होगा अगर आपने बहुत सारी चीजें खोल ली, आपने माइक्रोसॉफ्ट खोल दिया, आपने MP3 खोल दिया, आपने ब्राउजर खोल दिया, ब्राउजर में बहुत सारे मल्टीपल ब्राउजर खोल देंगे, मगर मान अगर आप यहाँ फायरफॉक्स भी खोल दिया, आपने बहुत सारी चीजें खोल दी हैं, तो सीधी सी बात है आपका जो रैम होगा वो बहुत सारा स्पेस ले लेगा और क्या हो जाएगा, अगर आपका टोटल माना रैम का साइज 2 GB है और इसने 1.90 GB एक्सेस कर लिया, किसने, आपका माइक्रोसॉफ्ट ने, आपका MP3 ने, आपका ब्राउजर ने, आपका फायरफॉक्स ने, इन सब लोगों ने 1.90 GB ले लिया है, अब रैम में स्पेस तो बचा ही नहीं, तो सीधी सी बात है ये हैंग होगा, जब भी आप कमांड देंगे तो ये गोल गोल घूमेगा, आपने देखा होगा, बफरिंग होगी इसमें, ठीक है, तो ये हो क्या रहा है, आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। तो जब ये प्रोसेस आपका माइक्रोसॉफ्ट माना अगर आपका रेस्पॉन्ड नहीं देगा तो आप
ब्राउजर को भी नहीं मैं काम नहीं कर सकते, आप यहां भी काम नहीं कर सकते, यहां भी काम नहीं कर सकते, या कोई अदर को आपने खोला वहां भी काम नहीं कर सकते, एक बात को ध्यान रखना। तो सारे ब्लॉक हो जाएंगे, जब तक ये अनब्लॉक नहीं होगा तब तक आप दूसरा भी काम नहीं कर सकता। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। और दूसरी बात है थ्रेड, जैसे माना आप किसी टेक्स्ट में अगर आप यूज कर रहे हैं, माना अगर आपका बोल्ड काम नहीं कर रहा किसी वजह से, ठीक है, जबकि और काम करते रहेंगे माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप ऑफिस यूज कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं कुछ समथिंग, किसी कारण से अगर कोई थ्रेड किसी चीज को एक्सेस नहीं कर रहा है, माना टेक्स्ट को मुझे ग्रीन करना है नहीं हो पा रहा है, लेकिन अदर लोग काम करते रहेंगे, मतलब आपको अंडरलाइनिंग करना है अंडरलाइनिंग कर सकते हैं, आपको इमेज एक्सेस करना है इमेज एक्सेस कर सकते हैं, आपको वीडियो एक्सेस करना है वीडियो एक्सेस कर सकते हैं, अब उसमें, ठीक है, अगर आपने कोई किताब लिखी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, ठीक है। तो थ्रेड क्या होता है, थ्रेड ब्लॉक नहीं होता है, ठीक है, अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो गया तो अदर थ्रेड काम करते रहेंगे, विल एग्जीक्यूट, बट वन प्रोसेस विल ब्लॉक देन रिमेनिंग कैन नॉट कंटिन्यू एग्जीक्यूट, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, प्रोसेस रिक्वायर मोर रिसोर्स, प्रोसेस रिक्वायर मोर रिसोर्स, थ्रेड रिक्वायर लेस रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब है आप कोई भी काम करोगे तो काम करने के लिए आपको रिसोर्स की आवश्यकता होगी, कोई प्रोजेक्ट करोगे आपको रिसोर्स चाहिए, ठीक है ना, आपको एक प्रोजेक्ट करना है, मैं काम करना है, आपको रिसोर्स चाहिए, जैसे रिसोर्स क्या हो गया, पैसा हो गया, ठीक है, या कोई सामान हो गया, दैट इज द रिसोर्स। तो प्रोसेस रिक्वायर को ज्यादा रिसोर्स की आवश्यकता होती है, थ्रेड को क्या होती है, कम रिसोर्स की आवश्यकता होती है। रिसोर्स का मतलब है अदर कोड्स के जरिए चलेंगे, वो कोड का दूसरे कोड के साथ लिंक रहता है, ठीक है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है आपका, सिक्स्थ आपका क्या है, प्रोसेस हैज इंडिपेंडेंट डेटा एंड कोड सेगमेंट। जो प्रोसेस होता है उसका जो डेटा होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, एंड थ्रेड शेयर्स द डेटा सेगमेंट कोड सेगमेंट फाइल्स एटसेट्रा विद इट्स पियर थ्रेड्स, ठीक है। आप यहां क्या काम कर रहे हैं, आपने टेक्स्ट को बोल्ड किया है, फिर आपने इटैलिक किया है, तो इनका आपस में क्या होता है, ये क्या होते हैं, इस फाइल के अंदर आप कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका कोड सेगमेंट फाइल एटसेट्रा विद इट्स पियर थ्रेड्स, जो बगल वाला जो दूसरा थ्रेड है आपका उसके साथ ये इंटरकनेक्टेड होते हैं तुम्हारे, ठीक है, ये आपस में शेयर भी करते हैं कि हाँ हमने पहले वाले को क्या किया, ये किया है, दूसरे वाले को ये किया है, ठीक है, तो इसका तुम्हारा क्या होता है, ये उसको शेयर भी करते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। प्रोसेस हैज इंडिपेंडेंट डेटा एंड कोड सेगमेंट। इसके बाद आपका लास्ट जो आता है, ऑल द डिफरेंट प्रोसेस आर ट्रीटेड सेपरेटली बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जितने भी आपकी डिफरेंट प्रोसेस हैं आर ट्रीटेड सेपरेटली बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको क्या बताया था अभी, एक प्रोसेस इसको चला रहा है, एक प्रोसेस इसको चला रहा है, एक प्रोसेस इसको चला रहा है, एक प्रोसेस इसको चला रहा है। तो जितने भी आपने अदर अदर एप्लीकेशन खोले हैं, जितने भी एप्लीकेशन खोले हैं आपने, आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, एंड्रॉइड फोन में आपने गाना चलाया, ठीक है, साथ में आप क्या कर रहे हैं, आपने माना आप कोई यूज करने से फेसबुक यूज कर रहे हैं, फेसबुक खोल लिया, ठीक है, तो फेसबुक में आप कुछ देख रहे हैं समथिंग, और पीछे से गाना भी चल रहा है, तो एक प्रोसेस क्या कर रहा है, गाना को चला रहा है, और दूसरा प्रोसेस क्या चल रहा है, आपका फेसबुक को चला रहा है, यानी कि नेटवर्क ब्राउजर को चला रहा है, ठीक है, तो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, एक बात को ध्यान रखना। लेकिन थ्रेड में ऐसा नहीं होता है, आपका क्या होता है, आप माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हैं, इसके अंदर ये सारे थ्रेड जो होते हैं छोटे 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 कोड सेगमेंट के जरिए चलते हैं आपके, तो ऑल यूजर लेवल पियर थ्रेडेड आर ट्रीटेड एज ए सिंगल टास्क, उनको एक सिंगल टास्क के रूप में माना जाता है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक सिंगल टास्क के रूप में माना जाता है। आप माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हैं, आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो लिख तो रहे ना आप टेक्स्ट, एक ही फाइल के अंदर काम कर रहे हैं, है ना, काम तो आप एक ही फाइल के अंदर कर रहे हैं, तो उसको एक सिंगल टास्क के रूप में माना जाता है, जबकि प्रोसेस में तुम्हारा ऐसा नहीं होता है। अब एग्जाम्पल है आपका, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका जो मेन है, प्लीज गिव मी द एग्जाम्पल, द जावा वर्चुअल मशीन JVM इज ए प्रोसेस, ये आपका प्रोसेस है इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड इनसाइड द JVM यू कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स रनिंग कॉन्करेंटली। मैंने आपको वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेड, ठीक है। वर्क मेथड जो होता है आपका, इसका पहले हमने स्टार्ट किया, आपने कोई अगर माना काम कर रहे हैं, स्टार्ट यानी कि आपने कोई एप्लीकेशन खोली, स्टार्ट किया, फिर रेडी हो गया, फिर रन करेगा, फिर वेट करेगा, फिर टर्मिनेट होगा, ये आपका टाइमिंग होगा तुम्हारा प्रोसेस का। तो लास्ट में आपका एग्जाम्पल जो होगा, लास्ट में आप क्या बोलेंगे, प्रोसेस क्या होता है, इसमें कोड बड़ा होता है, इसमें कोड छोटा होता है, दिस इज द हैवी एंड दिस इज द लाइट वेट, बस खत्म। सो
दीज आर टॉपिक्स यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम एंड दिस इज योर एग्जाम्पल. आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड. ओके, थैंक यू.